देवास कृषि मंडी में सोयाबीन की नीलामी नहीं होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान मंडी में तालाबंदी भी कर दी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में सोयाबीन की फसल निकलने के साथ ही मंडियों में किसानों की भीड़ होना शुरू हो गई है। ऐसे में फसलों की नीलामी नहीं होने पर भी किसान आक्रोशित भी हो रहे हैं। ताजा मामला देवास अनाज मंडी का है, जहां फसल नीलाम नहीं होने पर किसानों ने हंगामा कर दिया और मंडी परिसर के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। तो सोयाबीन लेके आया, कल का बैठा हूँ। वो नीलामी वाले ने बोला था कि 4 बजे नीलामी कर देंगे, फिर भी आज भी नहीं हुई। और अभी बोला था सुबह 10 बजे नीलामी तुम्हारी चालू होगी, फिर भी अभी अभी भी नहीं आया। हाँ, गेट लगाया था उनने, क्या था कि हाँ नीलामी चालू करें, नीलामी चालू करें, अभी तो नहीं हुई है। संजयगढ़ में मेरी जमीन नहीं है, तमाम मेरा खराब है, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। कल भी रास्ता दिन भर देखते रहे, यहीं पड़े रहे, वो कल भी मंडी में ये प्लाट पे नहीं बिका, आज भी दिन सुबह से यही बैठे हुए, अभी बिकेगा सोच के अभी तक तो नहीं बिका। काफी परेशान है, सारे लोग कल से पड़े हुए यहाँ पे, घर में नहीं के हैं, सब आसपास गांव के रात भर से परेशान है और भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। कारण में तो सर ये लोग जो लगे रहे ट्रैक्टर बेचने के चक्कर में, दिन भर ट्रैक्टर बेचा इन लोगों ने। हमने सोचा था कि 7 बजे चालू हो जाएगी, कल बोला था कि 4 बजे शुरू हो जाएगी, 4 बजे भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन आधा बेचा आधा नहीं बेचा। अभी तो फिर कोई ट्रैक्टर और गाड़ियां बेचने लग गए और अभी तक बैठे हुए, अभी तक तो कितना। वहीं मंडी पदाधिकारियों का कहना है कि नगद भुगतान का बैंक का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने की वजह से समस्या हुई है। वास्तव में ये था कि जो नगद भुगतान की जो प्रक्रिया चालू फिर से हुई है, उसके अंदर चूंकि बैंकों के पास अभी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया था, तो व्यापारी RTGS और NEFT से ही पेमेंट कर रहा था और कल से इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए और ये प्रक्रिया 1-2 दिन के अंदर पूर्णतः नगद पे, जो 2 लाख तक का मुद्दा है, 2 लाख तक का नगद पेमेंट चालू हो जाएगा और अभी भी करीब 50-60% चालू हो चुका है। हाँ, आ रहा है ना। और जहाँ तक एक प्रश्न ये भी था कि कल कुछ आवक ज़्यादा हो गई थी जी, जो बाद में किसान आ गए थे तो उनका माल रुक गया था, जो आज लाभ करवा दिया गया। नहीं, अभी तो हम इसको ये कर रहे हैं कि जो ट्रॉली एक बार निलाम हो गए उसको मार्किंग करवा रहे हैं। वास्तव में अभी जो माल आ रहा है, इस साल की अच्छी बारिश को देख, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई, तो माल की क्वालिटी प्रॉपर नहीं बैठ रही, माल में मॉइस्चर भी आ रहा है जी। तो किसान को ये लग रहा है कि मेरा माल कम भाव में बिक रहा है, द्वारा नहीं लिया जाता, व्यापारी द्वारा लिया जाता और इसके भाव अंतर्राष्ट्रीय मानक से तय होते हैं जी। क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, 1 मिनट में क्या भाव हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं है। हम तो इस मंडी के, पूरे मध्य प्रदेश के मंडियों से हम दिन रात सतत संपर्क में रहते हैं कि वहाँ क्या भाव चल रहा है, यहाँ क्या भाव चल रहा है, ये प्रतिदिन की प्रक्रिया में हम लोगों की एक दूसरे से बातचीत होती है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आखिर कब तक किसानों को समस्याओं से निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देवास।